लफड़ा लफड़ा लफड़ा, रजत दलाल वर्सेस राजवीर, मैक्सटेन वर्सेस इल्विस, ध्रुव राठी वर्सेस मोदी जी, मोदी जी वर्सेस ध्रुव राठी, इल्विस वर्सेस ध्रुव राठी। भाई लफड़े होते रहे, फेम मिलता रहा, फॉलोअर्स बढ़ते रहे, और ये बात कहीं से लीक हो गई और पहुंच गई हमारे एक भाई सांप के पास, और इसी का फायदा उठाने के लिए वो भी कूद चुका है इस होड़ में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। वो कहते हैं ना कि ओजी का मतलब होता है ओरिजिनल गैंगस्टर, पर जब से जियो का रिचार्ज सस्ता हुआ है ना, तो उसे ओजी का नाम हो गया है ऑनलाइन गैंगस्टर, जो हर कोई अपने इंस्टाग्राम पे गैंगस्टर ही बन रहा है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं अजाज खान के बारे में। भाई अजाज खान की दुश्मनी किसी एक दो से नहीं है, पूरे यूट्यूबर्स से है। मेरे से नहीं पीटने का बेटा, इज्जत से मोहब्बत से कुछ भी करा लो, मेरे बारे में कोई भी यूट्यूबर, एलविस यादव हो या उसका चाचा हो या कोई भी हो या उसके चेले हो, बनाए। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि एजाज खान कैरी से किसी मॉल में मिला था, तो उसने कैरी से सॉरी बुलवाया और उसका वीडियो अपने इंस्टा पे अपलोड कर दिया। ये कैरी है, कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन को। वो तो कैरी का बड़प्पन था कि वो सॉरी बोल के निकल लिया। क्या है कि क्या ही कुत्तों के मुंह लगना। वो एक कहावत है ना कि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे कि कीचड़ आपके ऊपर आएगी। फिर क्या, एक या दो दिन के बाद एजाज खान को पता चला कि उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसको कहीं से ये बात पता चली कि थप्पड़ खाओ फॉलोअर्स बढ़ाओ, ये परंपरा उसको पता चल गई। फिर क्या, उसने भी इल्विस यादव और कटारिया पर वीडियो बनाकर तुम्हारा कटारिया और एल्विस भी मेरे को बंबई में मिला या दिल्ली में मिला, तुमको दिखाऊंगा मैं। हम लोग ऊंची लोग हैं, ऊंची समझे कि नहीं, जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। पता लगा कि एक दो से काम नहीं चलेगा, तो भाई ने पूरे यूट्यूबर्स को ही धमकी दे डाली कि तुमको करियर बनाने के लिए मुंबई आना पड़ेगा, और मुंबई आओगे तो मुंबई में हम तुमको ले लेंगे, क्योंकि मुंबई उनके मम्मी पापा का जो है। भाई को लगा कि भाई बहुत फेमस हो चुके हैं, तो भाई उठ गए इलेक्शन में। जी हाँ, भाई रिसेंटली उठे थे अपने मुंबई के इलेक्शन में, और भाई को मिले थे कितने, 1,000 वोट। भाई इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ भिखारियों को रोड पे मिल जाते हैं। भाई कैरी ने एजाज को सॉरी बोला, ये देख के जितना मुझे शौक नहीं लगा, मुझे शौक इस बात का लगा है कि एजाज खान के यूट्यूब पर भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। भाई कौन है ये लोग जो एजाज खान को सब्सक्राइब कर रहे हैं, करना ही है तो हमें करो ना। आज मुझे ये पता चला है कि इंस्टा पे सिर्फ फेक फॉलोअर्स ही नहीं, यूट्यूब पे फेक सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। एजाज खान ट्राई तो कर रहा था शाहरुख खान बनने के लिए, पर बन के रह गया कमाल आर खान। एजाज खान इतना बड़ा एक्टर है कि उसको ट्विटर और इंस्टाग्राम के बायो में लिखना पड़ता है कि वो एक एक्टर है। एजाज खान के एक्टर बनने के लिए थोड़ी सी स्किल और गुंडा बनने के लिए थोड़ी सी हाइट कम रह गए थे, इसीलिए वो आजकल बस इंस्टाग्राम के गुंडे हैं, और वो अब अपने उम्र से कम और हाइट से बड़े लोगों को इंस्टाग्राम पे धमकाते हैं। और भाई इतने बड़े एक्टर हैं कि वो कपिल शर्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज मुझे अपने शो में बुला लो। छोड़ो, खैरे तो दूर की बातें हैं, एजाज खान एक्टर ही ऐसे हैं। इस यादव और रजत दलाल की धमकियां खत्म ही हुई थी कि एंट्री हो गई बालवीर भाई की, और बालवीर भाई भी अपनी बातें पूरी ही करते कि आ गए हमारे थारा भाई जोगिंदर। एजाज खान ने कैरी मिनाटी को मुंबई के अंदर पकड़ा, उसके साथ गाली गलौज करी, उससे सॉरी बुलवाई, फिर एजाज खान ने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर एनसीआर के सारे क्रिएटर को गलत बोलता है कि एनसीआर। थारा भाई जोगिंदर ने अपनी आधी बातें यही कही थी, वो भी सोचा था कुछ हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ जाए, बट आ गया AI पूरब झा। ये कैरी है मैडम आस्पतार, इसने मेरा करियर रिवाइव किया है, मेरे सारे फैंस इसको थैंक यू बोल दो, चलो फटाफट। कोई नहीं सर, आपको फेम मिल गया ना, आप खुश हो। अरे कैरी तू पूरब झा ने तो बहुत नॉर्मल रोस्ट किया था, बट उसका रिस्पॉन्स अजाज खान ने अपने वही कीचड़ वाली भाषा में जवाब दिया। बेटा पूरब, मम्मी को हेलो बोला, तुम नाम खराब कर रहे हो, तेरे को साले चौकों का इतना शौक था। और इन सब की बातें पूरी खत्म हुई थी कि आ गए लक्ष्य चौधरी थगेश। लगता है कि सारे यूट्यूबर सब एजाज खान की मार के ही छोड़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।